भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बिलीव मी और नॉट, हम लोग लास्ट 3 दिन में पूरा ऑलमोस्ट वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम कवर करने के बाद आज हम लोग ईस्ट सिक्किम कवर करने वाले हैं। तो ये है हम लोगों का होटल क्राउन प्लाजा, जहाँ पे हम लोग रुके थे एट गैंगटॉक। एज पर आवर रिवाइज शेड्यूल वी विल बी कवरिंग टूडे छांगू लेक, बाबा मंदिर एंड नाथुला पास। एंड सबसे गुड न्यूज़ ये है, एकदम लास्ट मोमेंट में हम लोगों का ये पूरा जगह का परमिट बन गया। पर बैड न्यूज़ एक ही है कि हम लोग नथंग वैली जा नहीं पाए बिकॉज ड्यू टू हैवी स्नोफॉल वहाँ का रास्ता क्लोज है। सिलीगुड़ी आज ही दिन वापस जाएंगे। ये है आज का शेड्यूल। सो राइट नाउ जस्ट वी हैव रीच्ड एट छांगू स्टैंड। यहाँ से हम लोगों को गाड़ी पिक करने वाला है टुवर्ड्स छांगू नथुला एंड बाबा मंदिर। तो अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी है और ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा है। तो बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ऑन द वे टू छांगू अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के लिए। पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन इधर से विजिबल है और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, एकदम ठंडा हवा जिसको बोलते हैं। ईस्ट सिक्किम का रास्ता बहुत ही सुंदर है, मतलब रास्ते पे कोई ब्लॉकेज या लंबा जैम कुछ नहीं मिला। तो एक्सपेक्टेड अगर आप गैंगटॉक से स्टार्ट कर रहे हो सुबह 7-8 बजे तो विद इन 2 आवर्स यू विल रीच छांगू। और ये आ गया हम लोग का गर्मा गर्म मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तो अभी जाने के टाइम पे हम लोग छांगू पे रुके गए। अभी हम लोग जा रहे हैं नथुला, और नथुला पास जाने के टाइम पे 2 और लोग हमारे गाड़ी पे आए गए शेयरिंग पे। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक लिए हैं। पूरा जगह बर्फ से ढक गया है और फ्रेश स्नोफॉल है एकदम। और आगे जितना ऊपर हम लोग जाएंगे और भी ज्यादा बर्फ मिलेगा और भी ज्यादा ठंडा हवा के साथ बर्फ देखने को मिलेगा। इट्स एब्सोल्यूट वंडरलैंड। सो लुक एट द स्ट्रगल ऑफ दिस मैन। संजय, अरे हेल्प चाहिए तो बोल दे। हाँ हाँ, कर पाएगा, उठ जा। तो मिलते हैं संजय भैया से, हमारा आज के लिए गाइड, और लेके जा रहा है नथुला पास तक। संजय भैया, इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम है मंजू लेक। मंजू लेक, इधर पे चाइना ट्रेड होता है। अच्छा, चाइना ट्रेड होता है। और इधर से बॉर्डर दिखता है? बॉर्डर नहीं दिखता है, थोड़ा ऊपर है बॉर्डर। और ये लेक का पूरा ऐसे फ्रोजन रहता है? फ्रोजन, अभी फ्रोजन है। हाँ, अभी तो फ्रोजन है। ऊपर से देखने में वो कुपुप लेक जैसा व्यू लग रहा है। हाँ, जो एलिफेंटा लेक है ना, हाँ वैसा व्यू लग रहा है। ओल्ड बाबा मंदिर, उसके बाद नथंग वैली होके जुलुक होके जाएंगे। एक्चुअली आज हम लोगों का लक खराब है, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल नथंग वैली और जुलुक का साइड का रास्ता पूरा बंद है, उसी के लिए जा नहीं पाए। फ्यूचर में कोशिश करेंगे, कभी मौका मिले तो हम लोग जरूर जाएंगे। इफ यू आर कमिंग टू दिस नथुला पास और छांगू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, अच्छा वाला जैकेट कैरी करना, क्योंकि हम लोगों के पास जो जैकेट था दैट वाज नॉट एनफ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस कोल्ड विंड। सो हम लोग को ये जैकेट एक्चुअली में भाड़े पे लेना पड़ा, ठीक है, जाते टाइम हम लोग फिर से वो वापस कर देंगे। बट वन थिंग, जितने बार भी हम लोग इसके पहले यहाँ पे आए हैं, एवरी टाइम ड्यू टू हैवी स्नोफॉल हम लोगों को रोक दिया गया था छांगू लेक पे। उससे आगे यह हम लोग का पहली बार ट्रिप है। तो या आई एम लिटरली एक्साइटेड, क्योंकि नथुला पास और बाबा मंदिर पहली बार देख पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दुख है कि कल गुरुदम्बन नहीं हुआ और नथंग वैली आज कैंसिल हो रहा है, पर जो भी है, जैसा भी है, ये मिल रहा है इस टाइम पे, दैट टू इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, दैट्स एनफ फॉर मी। माय हार्ट रेजेस अराउंड लाइक एन ओशन इन माय हेड।
रेडी? अब स्पॉन रेडी। लाचेन से भी दुगना ठंडा है। लाचेन इसके सामने लाचेन का ठंडा तो कुछ भी नहीं था। इधर से हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग नथुला पास जाएंगे क्योंकि नथुला में अभी थोड़ा जैम है, उसी की वजह से हम लोगों को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये शिव मंदिर की तरफ। पीछे आपको शिव मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा बहुत जिगजैग वॉक करके हम लोग को ऊपर तक पहुँचना है। और ये पानी का करंट आप सुन सकते हो। और बहुत साइड है बाबा मंदिर। पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साइड बाबा मंदिर देख के हम लोग जाएगा नथुला। रास्ता ठीक ठाक ही है, एज सच कुछ हार्ड नहीं है। सो आफ्टर फाइनली 10 मिनट्स ऑफ रिगोरस वॉकिंग वी जस्ट रीच्ड एट शिव मंदिर। थोड़ा और ऊपर चढ़ना है, बट अभी हम तीन लोग वेट कर रहे हैं बाकी तीन लोगों के लिए। वो लोग अभी दिख रहे हैं, वो अभी नीचे ही है, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। वो देखो आ गया बाकी का लोग। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, आ रहे तेरे चरणों में। और ये पहुँच गए हम लोग शिव मंदिर के एकदम टॉप में, एकदम सामने से जय शिव शंभू आ गए तेरे चरण में। जय शिव शंभू। व्यू आ रहा है पूरा, इधर से पूरा। अच्छा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा उधर भी देख लेते हैं क्या है। हर हर महादेव। कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखा था क्या यहाँ पे? जनरल चंडन ने बनाया था मिनी कैलाश मानसरोवर ट्रेक के लिए। चाइना होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं यात्री। ये आ गया बाबा हरभजन जी की मंदिर पे, विच इज कंसिडर्ड एज ए वेरी सेक्रेट श्राइन एट दिस नॉर्थ सिक्किम। एंड दिस प्लेस इज बेसिकली नेस्टेड बिटवीन जिलेपला पास एंड नथुला पास। तो देख सकते हो आगे बहुत भीड़ है, मैं आगे इतना तक नहीं जाऊंगा, मैं इधर से ही दिखाने की कोशिश करूंगा। और ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन जी अभी भी सबको दिखाई देते हैं। यहाँ का हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू वांट टू रीड द हिस्ट्री यू कैन गूगल इट। वैसे भी यूट्यूब में प्लस माइनस बोल के ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो भी आप देख सकते हो। हल्का हल्का स्नोफ्लेक्स भी गिर रहा है। तो ये देख के निकलते हैं क्योंकि आगे हम लोग को नथुला भी जाना है। बेसिकली लाइट स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, छोटा छोटा स्नोफ्लेक गिर रहे हैं ऊपर से, आप लोग देख सकते हो पीछे का व्यू भी, उसके साथ स्नोफॉल भी। सुनो मेरे लाइफ का पहली बार तो थर्ड स्नोफॉल है। लास्ट ऐसा स्नोफॉल मेरे को दिखा था ओलिमे इन 2019, उसके बाद ये वाला, मतलब ये नेक्स्ट लेवल है। आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग। माय गुडनेस, वैसे भी आई एम लिटरली फ्रीजिंग। अभी ड्राइवर भाई साहब बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी छांगू की तरफ चलो क्योंकि आगे रास्ता बंद हो गया तो यहाँ पे फंस जाओगे, तो वो भी बात सुनना पड़ेगा। Summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy on this island wall.
आई बेट यू जस्ट कैन्ट इग्नोर दिस एरियल व्यू ऑफ छांगू लेक। वो जो शेप दिख रहा है दैट इज छांगू लेक। हम लोग आगे जाके भी रुकेंगे बट ये जो एरियल व्यू है ये नेक्स्ट लेवल व्यू है। और इधर बर्फ, इधर लेक, इधर पहाड़। हम लोग अभी एक ही दिन पे स्नोफॉल, रेन और सनलाइट तीनों चीज एक्सपीरियंस कर लिया और मन नहीं करता किसी और दूसरा चीज एक्सपीरियंस करने के लिए। लाइक डन फॉर द डे। अभी ठीक ठाक गैंगटॉक पहुंचे, उसके बाद सिलीगुड़ी भी जाना है तो वो भी हेडेक है हम लोगों के दिमाग पे। लास्ट तीनों बार जब मैं छंगू आया था, दिस इज माई फोर्थ टाइम, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम छंगू वॉज फुल्ली कवर्ड विथ थिक स्नो, बट दिस टाइम पूरा क्रिस्टल क्लियर आपका लेक व्यू आप लोगों को दिखेगा। वैसे देखा जाए तो पहाड़ों में कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। हम लोग नथुला पहुंचे, वहां से सीधा आ गया यहाँ पे। बहुत ज़रूरी था ये ट्रिप हम सबके लिए, इट्स काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग वन। अभी एक साल घर में बैठने के बाद ये व्यू देखने के लिए लाइक आई एम थैंकफुल टू दिस एंटायर टीम। सो जस्ट रीच इन फ्रंट ऑफ सोंगमू लेक और छांगू लेक और इधर भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। और ये है यहाँ का फेमस यॉक, आप यॉक राइड भी ले सकते हो। लास्ट जितने बार भी मैं छांगू लेक आया था, दिस इज माय फोर्थ टाइम, तीनों बार पूरा बर्फ से ढका हुआ था। दिस टाइम इज द ओनली टाइम दैट वी आर बेसिकली विजुअलाइजिंग द एंटायर लेक व्हिच इज नॉट कवर्ड विद स्नो। हम लोग उधर भी जा सकते हैं वो साइड। ओह दिस सिंपली हेवन। लेक का वाटर भी देखोगे तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, पूरा माउंटेन का ये रिफ्लेक्शन ये लेक में आता है। धुआं भी निकल रहे। ये छंगू बाबा मंदिर, अंदर जाके पूजा भी दे सकते हो आप। साइड में है वो, आगे जाना पड़ेगा ना। ये स्नोफॉल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हम लोगों का, जिधर भी जा रहा है पीछे पड़ जा रहा है। यार लास्ट टाइम हम लोग उधर गए थे, एकदम उधर उधर जाके स्लाइड भी मार रहे थे। जाना है सिलीगुड़ी आज, फ्रेंकली बोल। जाना तो होगा, जायका भी बिरयानी पे जाके बिरयानी भी खाना है यहाँ, पर इतना ठंड में जरा देर रुकने का मन नहीं करता, यही प्रॉब्लम है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई और सहा नहीं जा रहा है, बहुत ही तेज स्नोफॉल हो रहा है, इतना तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरा सफेद हो गया। सो दिस मैसेज इज फॉर पोलास बनर्जी, वो लास्ट मोमेंट में ये ट्रिप कैंसिल किया। तुमने क्या एग्जैक्टली मिस किया वो वीडियो देख के तुम समझ ही गए होगे। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम पोलास, अगली बार पक्का लेके जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। बाय बाय छांगू। अभी थोड़ा छांगू से नीचे उतरते ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा और मेरे को जैकेट खोलना पड़ा। ऊपर इतना ठंडा था कि पूछो मत, मतलब लाचेन से भी दुगना ठंडा मेरे को लगा, बाकी सबको भी सेम लगा। तो अप्रैल में इतना ठंडा पड़ता नहीं है, बट लोग बोल रहे हैं इस बार थोड़ा सीजन में चेंजेस है और सीजन थोड़ा बैकवर्ड चला गया है। तो ये टाइम पर आ रहे हो तो डाउन जैकेट बेसिकली फेदर्ड वाला और एक प्रॉपर सनग्लास, नहीं तो जो रिफ्लेक्शन आता है फ्रॉम स्नो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मेरे को तो प्रॉब्लम आता है, अभी भी थोड़ा थोड़ा स्नोफ्लेक गिर रहा है ऊपर से। उधर तो पूरा अभी बर्फ चालू है पक्का, बिकॉज जब छांगू से नीचे उतर रहे थे तब ऑलमोस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। गैंगटॉक पहुँचने में हार्डली 2 घंटा लगेगा, 5:30 बजे हम लोग का होटल का चेकआउट करके सामान लेके सीधा जाएंगे सिलीगुड़ी। आई जस्ट कैंट वेट टू रीच सिलीगुड़ी। बहुत हुआ 4 दिन का टोटल हेक्टिक राइड, देखते हैं आगे ज़िंदगी कहाँ लेके चलते हैं। ऊपर जो बर्फ़ गिर रहा था वो छांगू के नीचे भी स्टार्ट हो गया, ये एक्सपेक्ट तो नहीं था। अभी जल्दी से जल्दी ना निकले तो आगे जाके रोड में प्रॉब्लम आ सकता है। वो देखो रोपवे, रोपवे जा रहा है। अरे कोई खाओ तो हम लोगों का ट्रैवल ग्रुप का एक सिंपल रूल है दैट व्हेनेवर वी एंड आवर ट्रिप वी बेसिकली एंड इट ऑन अ हायर नोट एंड हैविंग बिरयानी ऑन द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप। तो अभी हम लोग रुके हैं एट जायका रेस्टोरेंट सिलीगुड़ी, जो वेट कर रहे बिरयानी कब आएगा, देखते हैं कैसा होगा। तो ये आ गया हम लोगों का मटन बिरयानी, 2 पीस मटन और अंडा भी है और ये सलाद। अभी सोच रहे हैं और कुछ ऑर्डर करेंगे कि नहीं, ये खाने के बाद डिसाइड करेंगे।
मटन देख के दिल खुश हो जाता है, उसके साथ ये आलू। चलो लेट्स स्टार्ट इट। सो घूम के आने के बाद माई बॉडी वॉज एक्सपीरियंसिंग सो मच फैटिक एंड टायर्डनेस की कम्प्लीट दो दिन का रेस्ट लेने के बाद जाके थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। सो वन गुड थिंग आई मस्ट मेंशन अबाउट सिक्किम इज व्हाट आई बेसिकली एक्सपीरियंस। वहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को देखा फ्रॉम 7 to 70 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप ऑल वर वेयरिंग मास्क मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल्स। बट बाहर से जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आए थे उसका 50% लोग भी मास्क नहीं पहन रहे थे। आपस में डिस्टेंस बनाने के बाद तो भूल ही जाओ, मास्क है लोगों के पास बट वो पॉकेट में दिखाने के लिए है। तो मैं वही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आपकी सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है कोविड की वजह से पूरा देश में और पूरा वर्ल्ड में भी, तो कहीं पर भी घूमने जा रहे हो तो प्लीज़ फॉलो दिस बेसिक गाइडलाइंस, बिकॉज आप खुद को तो रिस्क में डाल ही रहे हो, उसके साथ अपना पूरा फैमिली और पूरा सोसाइटी को भी रिस्क में डाल रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग पे रखो। सेकेंडली, इफ़ यू आर कमिंग टू सिक्किम आफ्टर 7th April देन प्लीज़ कैरी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कंडक्टेड जस्ट 72 hours बिफोर फॉर चेकिंग इन साइड होटल एंड अदर कॉटेजेस एट सिक्किम। विद दैट सेड, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू पीपल हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर सिक्किम सीरीज एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल द बॉम्ब वेफेयरर टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉग्स। बिसाइड्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम रॉय 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।